अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असां अॼु मौजूद आहियूं कराची जे मुख्य शाहराह फैसल ते, कारसाज जे मकाम ते, जिते अॼु सिंध में रहंदड़ मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू गॾु थिया आहिनि ऐं हिकिड़ो हीउ जेको अॼोको इज्तिमा आहे इहो धरणे जी सूरत अख़्तियार करे वियो आहे ऐं इन्हनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त अॼु खां 6 ॾींहं अॻु भैंस कॉलोनी में जेको नौजवान इरशाद रांझाणी बेदर्दी सां क़त्ल थियो, उनखे गोलियूं हणी उनजी लाश जो जेको तमाशो कयो वियो या उनजे ज़ख़्मी हुजण जो जेको तमाशो लॻायो वियो, उनखां पोइ उनजो मौत वाक़े थियो। इन वाक़े ख़िलाफ़ ई हज़ारे माण्हू अॼु हिते गॾु थिया आहिनि ऐं सभिनी जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराई वञे, कातिल खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं कातिल खे करार वाक़ई सज़ा ॾिनी वञे ऐं इरशाद रांझाणी खे इंसाफ़ कयो वञे। इते मुख़्तलिफ़ जमातुनि जा सरबराह मौजूदु आहिनि, सिविल सोसाइटी जा माण्हू मौजूदु आहिनि, हिते असांजा जेके आहिनि सहाफ़ी दोस्त मौजूदु आहिनि, उन्हनि सभिनी सां असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन्हनि जा तासुरात अॼोके हिन क्रॉस टॉक स्पेशल में तव्हां ताईं पुॼाईंदासीं। हाणे असां सां गॾु मौजूदु आहे असांजो दोस्त मुश्ताक सरकी, जंहिं सोशल मीडिया ते हीअ कॉल ॾिनी अॼु सॼी सिंध उथली पई आहे। मुश्ताक, पहिरियां त इहो ॿुधायो त सोशल मीडिया जो बहितरीन इस्तेमालु थियो आहे ऐं अॼु असां ॾिसूं पिया त कंहिं बि क़िस्म जे सियासी रंग खां पाक हीउ धरणो आहे। हाणे अॻिते छा प्लान आहे? असां त मुतालबो रखियो आहे, असांजो को जहिड़ो न आहे, न रियासत सां, न पुलिस सां, न ॿिए कंहिं हुकूमती इदारे सां, न इवन पीपल्स पार्टी जी हुकूमत सां। असांजो सिंपल मुतालबो आहे वन लाइन त रहीम शाह कातिल, जंहिंजे लाइ सबूत इट सेल्फ वीडियो ई आहे, पर बावजूद हिन जे जेके एक्सक्यूज़िस तव्हां ॾियो पिया असांखे, त हुनजो बाए ब्लड को रिलेटिव मौजूदु न आहे, ॿ भाइर मौजूदु आहिनि, अदालती हुकुम आहे 22A जे तहत डायरेक्शन आहे अदालत जी, उन में त हर ठेले वारे जो, हर मोची जो, हर भेरे जो बयानु वठंदी आहे पुलिस, पर हिन सां ईअं इहा ट्रीटमेंट छो थी कई वञे? सिंपल असांजो मुतालबो आहे त 302 जी सेक्शन हेठि नई FIR दाख़िलु कई वञे, उनजे भाउ मुनवर जी मुदैद में दाख़िलु कई वञे, उन में हू जंहिंखे नामज़द करणु चाहे, भले मूंखे करे, शौकत खे करे, उनजो सवाब दीदा, जेको इंसाफ़ु हो मुतलाशिया जे इंसाफ़ जो मुंतज़िर आहे, उहो उनखे फराहम करणु रियासत जी ज़िमेदारी आहे। इहो असांजो कमु न आहे त असां उनखे कन लाटार कयूं, हीअ हेॾा माण्हू गॾु थिया आहिनि, इंफ़्रादी आवाज़ त न आहे, हिकिड़ो इजतमाही आवाज़ ताक़तवर उथियो आहे साम्हूं। हीअ जेकॾहिं मुहज़िब सोसाइटी में तव्हां अमरीका रहिया आहियो, असां घुमूं फिरूं था, त जेकॾहिं किथे बि मुहज़िब मुआशिरे में को 10 माण्हू बि निकिरी पवनि त थरथले में चवंदा रियासत, पर हिते ॾिसो कलाकनि जा कलाक गुज़री विया आहिनि। मेन शाहराह आहे, को भैंस कानून न आहे, को झंग जो कानून न आहे, असां मेन शाहराह ते जिते तव्हांजे साम्हूं घणा माण्हू VVIP गुज़रिया आहिनि एयरपोर्ट तां, हिन इलाइक़े तां, पोइ बि कननि ते जूई नथी पुरे त देर इज़ समथिंग फिशी। असांखे त मशकूक थियूं लॻनि शयूं। सिंपल आहे, 155 जो स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट आहे माण्हुनि जो, हुन सां अन्याय थियो आहे, हुन सां ज़ुल्म थियो आहे, हुनजो भाउ मो आहे, हुनजी वीडियो मौजूदु आहे, तव्हां हुनजो बयानु वठी रहीम शाह खे गिरफ़्तार कयो ऐं हू जेके नामज़द करनि उनखे नामज़द कयो, असां धरणो ख़तमु था। हिन वक़्तु ताईं सिंध सरकार मां, सिंध पुलिस मां कंहिं माण्हू तव्हां सां राब्तो कयो आहे? छाकाणि तव्हां पाण रिपोर्ट कंदा रहियो, वास्ता बि आहिनि, तव्हां सां कंहिं पर्सनली बि ॻाल्हायो आहे त बाबा असां कुझु कयूं था, तव्हां महिरबानी करे हाणे घरु वञो या छा? सभिनी ॻाल्हायो आहे, धरणो ख़तमु कयो, सिंगल लाइन हुन जवाबु आहे, धरणो ख़तमु कयो, मुंहिंजो वरी सिंगल लाइन मुतालबो आहे त FIR कयो। असांजो तज़ाद, ज़िद, बहस, नज़रियो इन ते थो हले, उहो चवनि था ख़तमु कयो, मां चवां थो बिल्कुलु कंदासीं, तव्हां FIR कयो, व्हाट्सअप कयो, जवाबदार गिरफ़्तार कयो। तव्हां जेकॾहिं कंहिं कॉम्प्रेस कारकुन खे पकड़ियो था त कपिड़ा वेड़े, हथकड़ियूं पहिरे प्रेस कॉन्फ्रेंस था कयो, तव्हां जॾहिं रहीम शाह जे ख़िलाफ़ु प्रेस कॉन्फ्रेंस था कयो त हुनखे तव्हां एयर कंडीशन रूमनि में विहारे चांहि बिस्किट सर्व करे तव्हां ॿिए कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे असांखे बेवकूफ़ था बणायो, इहो बिल्कुलु न हलंदो। मां को आम माण्हू न आहियां, मूंखे पुलिस जी नफ़्सियात ख़बर आहे, थो कहिड़े रीति केसनि खे कीअं डील कंदी आहे। हिन में कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, या त क्लियर कयो कहिड़ी सगारी कुवत इन में इनवॉल्व आहे जेका तव्हांजे अॻियां रुकावट आहे। अच्छा, तव्हांजे अॼोके धरणे में ॿ मुतालबा ॿिया बि आया त भई DSP खे बि शामिल तफ़्तीश कयो वञे, SHO खे बि शामिल तफ़्तीश कयो वञे, इहो मुतालबो छो आयो आहे? ॾिसो शौकत, जेका वीडियो ॿुधाए पई, रियासत जा उहे नुमाईंदा आहिनि, पुलिस रियासत जो हिकिड़ो पिलर आहे, इदारो आहे, उन्हनि जी मौजूदगी में ई ज़ख़्मी तड़पे पियो। जेका ह्यूमन नेग्लिजेंस साम्हूं आई आहे, जेका गफ़लत आहे इंसान इख़लाकिया जी, उन में DSP ऐं SHO बुक थिए थो। ॿियो, असांजे मौक़ुफ़ जी ताईद ख़ुदि DIG कई आहे त हीउ पुराणे केस में असां झलियो आहे, पुराणो केस हिकिड़ो माइनर केस आहे जंहिंमें 8 साल मुसलसल अदालतुनि जो एब्सकांडर जो नोटिस थी कढे, गिरफ़्तार कयो, वारंट थी कढे, त उहो माण्हू जेको अदालती हुकुमनि जे बावजूदु गिरफ़्तार न थियो आहे, माना घुरबल क्रिमिनल आहे, त उहो कीअं अलल ऐलान रियासत जे अंदरि रियासत क़ाइमु करे वठो आहे, उहो कीअं भता थो वठे, उनजी मर्ज़ी को सिवा
को मालवंद व्यापारी मानू उते पांजो जानवर नसो खणी वणी सके उन जो टोकन भत्तो आ ता उजैर बलोच के एंजल आ ता बदमाश चो छो जो हु नॉन फिगर आ लियारी जी ही लिकल फिगर इन जी बेंस कॉलोनी वाले इलाकन जी लैंड ग्रैबिंग को वटी मोबाइल फोर ताई मोबाइल फोर को वटी भत्तो वठण ताई भत्ते वठण को वटी बिल्डरन के अगवा करण ताई सब यो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ मानो तो चवा चाहिंदो तो मैं हाँ व्हाट्सअप कदम सभी के एफ आई आर मैं इतने पब्लिक नो कर चाहें जै फोरम से चैलेंज तो क्या तुम वेह तुम रांझानी के डोहारी साबित कर या मारे इमशा के तो क्या थैंक यू वेरी मच मुश्ताक होप ऑल द बेस्ट फॉर सारी सिंधी कौम के लिए सभी थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स हाँ असा गुड मौजूद आए आजिज जमाली साहब आज सभी का पैर तो मुबारकू आखिरकार सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया तक निकरी करे सिंध जा मानू पूरे पाकिस्तान जा मानू हर कम्युनिटी जा मानू इतने मौजूद आए हाँ फर्दर शा प्लान है इतने ऐलान भी थियन था शायद जेडी मल प्रोग्राम हल इस तीन घड़ो कुछ थी चुको हो पर वक्त की सूरत हाल से असा आगाह किया तो छा पो थे कैसा राबो थो ऐसो मुख्य यकीन आको असो मुतालबो है वक्त इन वक्त सब का वो मुतालबो यो है रहीम शाह है उन खिलाफ़ इरशाद रांझाणी के कत्ल की एफ आई आर दाखिल कई वे बिल्कुल सहली गाल है बिल्कुल नंढड़ो मुतालबो है छो जो वो सजा सबूत मौजूद हैं समूरा गवाह मौजूद हैं वीडियो रिकॉर्डिंग सब का वो सबूत है जैमें नज़र अची रो इरशाद रांझाणी के रहीम शाह पिस्टल जहाँ फायर कर कत्ल कर रो तड़पी रो तो वो सबूत उन सबूत के बुनियाद से असो मुतालबो हो तो उनके खिलाफ़ 302 की एफ आई आर दाखिल कई वे छो तो रहीम शाह के गिरफ्तार करण जो जो ड्रामो आ उनके मथा का भी एफ आई आर ना है पुरानी कें एफ आई आर में उनके गिरफ़्तार किया वो पुलिस जो मुसलसल गाल हलन पीर सिंध हुकूमत के बिन वजीर यो राबो किया असो दोस्त मुश्ताक सरकी से जिन्हें यो यकीन दियारो इरशाद रांझाणी के भा जो इतने मौजूद आयस मुनवर रांझाणी की मुदयत में एफ आई आर दाखिल या सागी गाल एस एस पी ईस्ट भी असें चई डी आई जी ईस्ट भी चई पर असा उन गाल यकीन न रखो हिंसर भी असो ये मुतालबो आ जेस तीन एफ आई आर दाखिल नी थे तेस तीन इन एहतजाज जो सिलसिलो जारी रो मुख्य यकीन आ ये एफ आई आर ज़रूर दाखिल थी रहीम शाह इरशाद रांझाणी के कत्ल के केस में ज़रूर गिरफ़्तार थो बी गाल तवा कई बिल्कुल अज सजी सिंध के मुबारकू अस कुछ भी ना बिल्कुल अदना मानू आयो सिंध जा नंढड़ा मानू आयो पंजो पान के मैं साफ ही आया प्रोफेशनली मुझो कम जलसा धरना हणन ना है पर ही सजी सिंध जो इजतमाई सड हो सजी सिंध जी इजतमाई गैरत हुई सजी सिंध जी इजतमाई काज हुई सजी सिंध जो गडल मकसद हो जैसे कराची का वी कश्मीर तीन मानू इतने मौजूद हैं कराची के शाहराए फैसल से मुझे ख्याल आ केतर साल अस सिंधी मानुन जो एडो वो मेड़ दिठो सिंधी मानुन जो टोपी अजरक के कौमी दिहाड़े का पो ये वो मेड़ अज असा शायर फैसल से दिठो जैसी मैं सजी सिंध के मुबारक दींदुस चवंदुस सोशल मीडिया के सिंधी नौजवान के खास तौर पर तमाम घड़ी मुबारक दींदुस जिन्हें सोशल मीडिया जो मस्बत इस्तेमाल किया सजी सिंध जागी पई आ सोशल मीडिया हाँ इनकलाब पी आने हाँ रजब तैयब अर्दगान का वी तुर्की का वी उर्दुन का वी सजी दुनिया में अमेरिका तीन फ्रांस में लखे मानुन जा मुजाहरा पा थन सोशल मीडिया के करे जेको येलो जैकेट पाए मानू पीली जैकेट पाए मुजाहरा था कन लखन के तादाद में मां इंतबाह तो दियाँ मां चिताव तो दियाँ तो सुभाणे सिंध अज जागी पई आ अड़ी नौबत अचण न दियो जो इन रोडन से सिंध जा नौजवान भी को गाढ़ी जैकेट पाए लही पवन मैदान से कोई गोलियों ये भली जो रियासत के पंजी ताकत इस्तेमाल करनी है भली करी दिसे पर अज सिंध एक है सिंध मुतहद है या उम्मीद तो क्या तो सिंध के गडियल मकसद ले गडियल मफाद ले सिंध हमेशा एक होंगी अज प्रेशर दियण पे पुलिस के प्रेशर दियण पे सरकार के उनका वही राजी थे पंजन डी का जो पुलिस जो रवैयो आ समझो था एफ आई आर थियण का रहीम शाह की गिरफ्तारी का पोए इन केस के बाकायदा फ्री एंड फेयर तरीके से फॉलो किया वो इन्वेस्टिगेट किया वो असा एतमाद कर सकूँ ऐसो इन में मुझी पेरे डी का सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह हमेशा अपील कंदो रहो उनके लिखियो भी आए तो सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस इन केस के टेकअप करे जड़ी रीत नकीबुल्ला के केस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस टेकअप किया हो जैखा पो राव अनवर गिरफ्तार थो अड़ी रीत इन केस के सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस टेकअप करे सोमोटो वठे या जड़े भी रीत एफ आई आर कटन का टेकअप करे पर इन
केस के जरूर टेकअप कर सिंधाई कोर्ट त जी इंसाफ जो मान मथा थे अड़ो मिसाल सिंध में ठे तो कें बेगुनाह नौजवान के बेदर्दी से जो कत्ल किया वो खून से इंसाफ थो। थैंक यू वेरी मच आजिज़ जमाली व्यूअर्स तुम बुध तो आजिज़ जमाली जो ये चवण है तो इतने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिट चैलेंज थी है एक आम शहरी जैसे अस्पताल पुजाया पे वो अस्पताल न पुजी सको बाद में वो फौत थी वो शहीद थी वो, तो यकीनन एक सवाल उठे पो छे इंसाफ के छे मानुन के मुतालबे के पर सरकार की पाँगी इज्जत जो सवाल है सरकारी रिट जो सवाल है तो अज ज रहीम शाह के आज़ाद छोड़ो वो इं तो सुबाने एतरा बया केतरा ही रहीम शाह चौकन ते बेगुनाह नौजवान के चाहे उनको ताल्लुक कें भी फिरके से हो कें भी कौम से हो कें भी जात से होजे उनके ये मारे सकन था। प्रोग्राम के अगते बदायूँ था दोस्तों से गाल बोल क्यों था। जी व्यूअर्स इतने असो कुछ भेनू भी मौजूद हैं उनका पुछू था ना बैठा हो इतने असो कुछ भेनू भी मौजूद उनका पुछू था अदि तव सोशल मीडिया की इन कॉल से निकता आयो अज ते वेठा आयो समझो था तो ही जितरा मानू गड थन इन का पोए भी सरकार सुतल रही या सरकार जागंदी या न जागंदी हे तमाम वही कॉल आठो वे तो मेन गाल है तो एक इंसानियत एक इंसान जो कत्ल पूरी इंसानियत जो कत्ल आने असि गवर्नमेंट खामोश आ तो यो सवालिया निशान है गवर्नमेंट के खामोश न थियण घुर्जे बी गाल है तो सब का वो जो में मसाइल यो तो पुलिस वो उनके शाबाशी तो दे पुठी तो ठपे मुझे सिर्फ एक ही सवाल है जैसे पुलिस वो ये कतल की जो पुठी तो ठपे कें मारण जो एतो हक तो दे तो मुख्य भी हक दे असि औरतुन के भी हक दे अस सेंडल से जूता हणी हणी इनके मार्यूँ छो तो अस खून जो बदलो वे जैसे खामोश रहा तो यो सिलसिलो कंटिन्यू रहो केस तीन आखिर खामोश रहे तुम्हारी अदालतू बंद कर छो थाना बंद कर छो तका पुलिस असकी हिफाजत के लिए आसा मू माराए फत एक इंसान फतके तो उनके गार दई कर चवे तो इनके उथर न दिन का हेल्प न दिन बहरहाल मां समझा थी तो इन जो सो जुल्म का घर में वेहण बिल्कुल गलत आ बाकी हाँ जे भी झंडा नजर अचन था इन सभी की मुजम्मत क्या थी कें भी सियासी ग्रुप से गड ना मां इंसानियत के तरफ आया जैसे को पंजाबी आने को पठान आ जैसे को सिंधी आ तो इन में को ऐब ना इंसान धरती से काथे भी मुंतकिल थी करे सोनी जिंदगी गुजारे सके तो जे धारिया भायर असि धरती से आया असि सिंध की धरती से आया तो उनके इन गाल की खबर हुजन घुर्जे तो असि जी धरती आ अमन की मोहब्बत की धरती आ असि सूफिन की धरती आ इतने कतलो हारत नी इतने पाँचा कानून हुजन गवर्नमेंट उन्होंने बावर करे तो वो असा तकलीफ न दियन जीन ए जीण दियन। जी व्यूअर्स इन वक्त असा सा गड मौजूद हैं डॉक्टर कादिर मक्सी सरबरा सिंध तरक्की पसंद पार्टी जहाँ उन्होंने गलसी डॉक्टर साहब हि अज शार फैसल से एक सिंधी नौजवान जो तडो है तहजा इन हवाले से तासुरात तड़ी डिमांड खड़ी पौता आसो सब का पे तो ये सोशल मीडिया जहाँ जो भी एक्टिविस्ट नौजवान उन्होंने जी सोशल सरगर्मी है उनके अज माहौल मिजाज जुड़ो आ तो सिंध के कुंड कुड़छ में जो मू इंसाफ के हक में मजलूम बेगुनाह शहीद कल इर्शाद रांझाणी के रथ से इंसाफ की घुर मुतालबो कन सब इतने आया हाँ ही नारो इंटरनेशनल बन वो हाँ रुगो ही कराची जो या सिंध नारो ना हाँ नारो यो इंटरनेशनल बन अस घुर क्यों तो उन वारस जे उनके चवण से 302 जी एफ आई आर दाखिल कर उनके वारस के चवण के मुताबिक जी हु चवन था ये एफ आई आर दाखिल उन ही एफ आई आर में इनके रहीम शाह के गिरफ्तार कर अदालत के कटड़े में बिहारो कैफरे किरदार तक पहुँचाया उन जुर्मन एक यो तो उन बेगुनाह मानू के कत्ल कर गोलियों हुं गोलियों हण का जो जख्मी थी तड़पंदो रो तो समूरन मानू के पैं गुंडन के जरिए घेरो कर हथियार खड़ी बी रहा तो उनके इलाज अस्पताल से पुजने लाय उनकी रुकावट विधी वही उनके इलाज जो बुनियादी हक जो मारो वो इन कर दहशतगर्द कोर्ट में केस हले केफरे किरदार तक पहुंचे। डॉक्टर साहब छो ढी अ पुलिस जो किरदार भी ढो मशकूक रो है तो जी कमेटी सरकार ठाई आ
उन मां असांखे मुतमइन हुजणु घुर्जे या त समुझो था त न्यूट्रल ऐं साख वारा ऑफिसर इन कमेटी में शामिलु थियनि। ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां, पुलिस हिननि सभिनी सां जोड़ी बेची वाल आहे। ही मलीर में जेको राहू अनवर SSP हो उनजी सरबराई में मलीर ज़िले में जेके बि लैंड माफ़िया जा माण्हू आहिनि, ड्रग माफ़िया जा माण्हू आहिनि, SHO DSP उहे सभु महफ़िलुनि में राति जो गॾु हूंदा आहिनि। इन जे करे पुलिस जे ज़रिए रहीम शाह जो एहतसाब थिए ऐं शहीद राजाणी क़तल किन सां मिले नामुमकिन आहे। इन करे असीं चऊं था इतर जो जेको SHO DSP आहे जिन उते पुॼण में देरि कई ऐं इन ज़ख़्मी माण्हू खे खणी इलाज ताईं पुॼाइण में जेके रंडक जा ख़ुदि हू ज़िमेवार आहिनि, इन करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो। पहिरीं तहक़ीक़ात अदालती कमीशन ते हिकिड़े सेशन जज जी रिपोर्टेड सेशन जज जी अॻुवाणी में अदालती तहक़ीक़ात थिए ऐं फेक्स फिगर साम्हूं अची वञनि। पोइ रुगो रहीम शाह न पर रहीम शाह सां गॾु ई जेको 100 गुंडनि जो टोलो हथियार खयो बीठो ऐं माण्हुनि खे रोकींदो रहियो त हिन जे वेझो न अचो, हिनखे हथु न विझो, हिनखे खणो न, उहे सभु ॻोल्हे ॻोल्हे सभिनी ते FIR दाख़िल थियणु खपे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबु। व्यूअर्स, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिर शाह अॼोके हिन कारसाज़ धरणे में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मुजाहिर शाह बि सोशल मीडिया ते तमामु घणा एक्टिव आहिनि ऐं तमामु घणा जज़्बाती आहिनि, असां खां वधीक जज़्बाती लॻा पिया आहिनि मुजाहिर शाह सां ॻाल्हायूं त। मुजाहिद, सक्सेसफुल धरणो आहे, हुकूमत बि हाणे ॻाल्हाइण ते राज़ी थी वई आहे, पर छा इहो ई तरीक़ो बचो आहे असांजे लाइ इंसाफ़ वठण जे लाइ? को क़ानून कोन्हे, को हिकिड़ो सिस्टम कोन्हे, कीअं था ॾिसो इहो? बदकिस्मती इहा आहे त असां वटि हाणे फ़िलहालु जेको तरीक़ो आई हुई आहे त तव्हां रमशा क़तलु थी वञे, क़ातिलनि खे गिरफ़्तार कराइणो आहे, रोड ते अचिणो पवंदो, या रांझाणीअ जो मर्डर थिए त असांखे रोड ते अचिणो। इहो तरीक़ो मुहज़ मुआशिरे जो न आहे, छो त तव्हां पाण सॼी दुनिया घुमो था पिया। जंहिं बि मुहज़ मुआशिरे में को एहतजाज करण लाइ को माण्हू हिकिड़ो पंफलेट खणी करे रोड किनारे बीहे थो त उनजो बि नोटिस वरितो थो वञे। अफ़सोस इहो आहे त सॼी सिंध रोडनि ते आहे, सोशल मीडिया ॿरी पई आहे, सिंध जो बचो बचो हींअर को पार्टीअ जो तज़ाद ई न रहियो आहे, सॼी सिंध यूनाइटेड थी वई आहे। त हिकिड़े खून न आहे, हिकिड़े सरे राह माण्हू खे रोड ते तव्हां ईअं बेदर्दी सां मारियो था ऐं उनखे तव्हां इस्पताल में था पहुचायो, बुनियादी इंसानी हक़नि जी वायोलेशन थिए थी, उते उनजे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नथो कजे वञे। अफ़सोस आहे त 5 ॾींहं आहे अॼु वाक़िए खे, अॼु जॾहिं हीउ सोशल प्रेशर पियो आहे, अॼु असां कराची जे कारसाज़ ते सॼी सिंध गॾु थी आहे, तॾहिं वज़ीर आला सिंध चवे थो त मूंखे ॾुखु पहुतो आहे। तव्हांखे कहिड़ो ॾुखु पहुतो आहे? तव्हांखे असां मैसेज न कया, असां तव्हांखे डायरेक्ट मैसेज न कया, असां तव्हांखे रोडनि ते न ॿुधायो, सिंधी मीडिया तव्हांखे न ॿुधायो, सोशल मीडिया तव्हांखे न ॿुधायो। तव्हां हिकिड़े सूबे जा वज़ीर आला आहियो, तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे सूबे में रहंदड़ हिकु हिकु माण्हूअ जे जान माल इज़त जो तहफ़ुज़ तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे। पर अॼु हुन ॻाल्हायो आहे, असेंबली में चयो आहे त आउं पाण FIR दाख़िलु कराईंदुसि उन्हनि पुलिस वारनि जे ख़िलाफ़ु जेकर उहे मुलविस निकिता। तव्हां हिनजो मुल अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी पुलिस वारनि जी, इंतिहाई असांखे शर्म पिए आयो, इंतिहाई असांखे ॾुख पिए थियो त हिकिड़ा प्रोफेशनल माण्हू, पुलिस जो कमु आहे हिकिड़ो इंसाफ़ु करणु, हू हिकिड़ी धुर जी ॻाल्हि पिया कनि, हू हुनखे डकैत अञा साबित थियो कोन्हे, को हुनखे फोरू साबित पिया कनि ऐं हुनजे मथां जेके केस आया अथनि उन्हनि खे ॾिसी करे असांखे शर्म थो अचे। ऐं जेको जवाबदार आहे उनजे मथां शाह लतीफ़ थाणे ते, सुखनि थाणे ते, कराची जे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मुख़्तलिफ़ केस दाख़िलु थियनि, उनजो क्रिमिनल रिकॉड हुनखे नज़र नथो अचे, पर हिकिड़ो माण्हू सरे राह रोड ते मारियो वियो आहे त उहो हुनखे फोरू थो लॻे। असां हींअर बि चवंदासीं त असांखे न असांजे मौक़ ते हलो, न असांजी ॻाल्हि ते हलो, सिंध जा माण्हू चवनि था इम्पार्शल इंक्वायरी थिए ऐं सभु जो सभु जियो फेंसिंग कयो वञे, तव्हां हिन जा TDS कयो, तव्हां जूं रिकॉर्डिंग्स कढो, जेके हिननि जा फ़ोन यूज़ थिया आहिनि, जेके हू जवाबदार पंहिंजो मुतज़ाद बयानु ॾिनो आहे उनखे साम्हूं रखो, तव्हां हिकिड़ी इम्पार्शल इंक्वायरी कयो। जेकॾहिं इरशाद रांझाणी ॾोहारी निकिरे थो त असां त तव्हां केस दाख़िलु कयो, हू शहीद थी मरी वियो हलियो, असां त तव्हां केस दाख़िलु कयो त तव्हां नाक माण्हू जे ख़िलाफ़ु आवाज़ु पिया उतारियो, पर चऊं था त तव्हां जॾहिं इहे इम्पार्शल इंक्वायरी कंदो त हू ॾोहारी हुनजे पोयां हिकिड़ो वॾो नेक्सेस आहे। तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां कराची में ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कंदा रहिया आहियो त मलीर जी ज़मीन जेकी आहे उहा सोनी झिरकी आहे, जेको क़ाबिज़ आहे, मुख़्तलिफ़ क़ुवतूं हुन उते विढ़नि थियूं पयूं, मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि जा गैंग्स उते कमु कनि था पिया, इहे सभु जेके क्रिमिनल्स आहिनि, जेके लैंड ग्रेबर्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे शेल्टर में लिकियल आहिनि ऐं सॼी ज़मीनुनि ते हींअर जहिड़ो आहे। जेकॾहिं को धरती धणी हुनजे ख़िलाफ़ु उथी को आवाज़ु थो उतारे त उनखे बोरू करे मारियो थो वञे, उनखे भतागीर चयो थो वञे, उनते ॿिया मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम आया वञनि। असां चाहींदासीं त हीउ जेको बि आहे हिन जी इम्पार्शल इंक्वायरी थिए ऐं सिंध खे सलाम आहे, तव्हांखे सलाम आहे, सिंधी क़ौम खे सलाम आहे, जंहिं पंहिंजे सोशल मीडिया जो हिकिड़ो मुस्बत इस्तेमालु कयो हिकिड़े आम माण्हूअ जे लाइ। असांजो रांझाणी सां को वास्तो कोन हो, असांजो हुन सां को तालुक़ु कोन हो, पर हिकिड़ो इंसानु जीअं सरे राह रोड ते मारियो आहे, ईअं जानवर बि न मरणु घुरिजे,
जर इंसाफ की गाल है जमहूरी हुकूमत है पीपुल्स पार्टी के होश करण घुर्जे तो आवाम के वोटन से सिंधी मानू के वोटन से हुकूमत वेठा उन्होंने जो तहफुज न दींदा तो ही धरना लगना ये रोड से हूँसानी। जी व्यूअर्स असा सा गड इतने आई विटनेस मौजूद है ऐनी शायद उनका तालो इश्तियाक अहमद इश्तियाक उतने मौजूद हो अस बेसकाली मोड़ से मौजूद हुआ इशाद अब्बास रजानी के मारे बागे गोलू भाई जैसे छडाय पाया चई जो वे उनके मारींदस उनके एस एच ओ थाने के दिनों एस एच ओ थाने उनके गोलू हणी तो चई नहीं थाने में उतने तड़पी तड़पी असान जो यो खून सिंधियन जो उनके मारे वो है माना तुम चौथ बी गोलियों लगल हुए एस एच ओ मारियन एस एच ओ बायदे अस कोशिश कई उनके हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों पर जो छो पठान उन चई जो भी इनके वेझे उनके मारींदस शालती एस एच ओ के हवाले कई एस एच ओ ने गोली हणी अस कुछ न कर सकें चई जो वेझो हों के मारींदस माँ प्लीज रिक्वेस्ट तो क्या वजीर आला कैमल शाह से आई जी के उनके लिए कोई एक्शन खी वो अगर आई जी एक्शन न तो खणे आई जी के ट्रांसफर कर अगर वजीर आला एक्शन न तो खणे वजीर आला के डिसमिस कर बीए वजीर आला अप्रूव कर अगर आई जी को भी एक्शन न तो खणे आई जी न आणो एडिशनल आईजी को एक्शन तो खड़े तो बो एडिशनल आईजी आणो पर असा के सबूत खबे इनकलाब इंदो इनकलाब अस आणींदी। जी व्यूअर्स हाँ अस पीपल्स यूथ जो पीपल्स पार्टी जो यूथ है उनके अगवान मौजूद हैं उन्हें पुछूँ था तो ये जो सोशल मीडिया से मुतालबो आयो उनके बुधी करे ते आया हैं या पार्टी क्यादत स्पेशली उनके मोकलो तो तुम भी वनो ए सिंध के मानून जो सवाल है सिंध के मानून जो मुतालबो आयो उते पांजी सरकार का मुतालबो कयो मसरूर सभी का पहली वही मेहरबानी सभी दोस्त इतने आया हैं ही एहतजाज जो है वो बेसिकली यो मुतालबो रखने के लिए पे वे तो इन कातिल के खिलाफ एफ आई आर दर्ज थे इनके फौरी तौर से गिरफ्तार किया वे तहजी पानी जमात इकतदार में है तुम सोचे इन एहतजाज में आया आयो ए पार्टी क्यादत मोकलो है या तुम भी एज अ सोशल मीडिया इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया सही बई साइडू तुम डिठ सोशल मीडिया इंडिविजुअल जो फैक्ट एंड फिगर हुआ उनके भी उनसा गरु गरु ही इंसान जो कतल है ही सिंध जो कतल है रोड से सरेआम कें मारे गोलियों हणी उनका उनकी तजलील करण उनके गारियों दियण उनका उनको वारिस न होजन अस्पताल न पहुँचाण यो सब सब डिसी करे एकड़ो इंतहाई दुख फिक्र जो लम्हो हो उनका तुम डो तो फौरी तौर से पूरे पाकिस्तान में वाहिद जमायत हुई असानी शहीद रानी असानी कायद मोहतरम अभिनंदन भुट्टो की शहजादी उनकी लगते जिगर असानी लीडर बीबी बख्तावर भुट्टो सरदारी ट्वीट कर जैसे तुम पा डो चेक कर पढ़ो पूरी दुनिया उनके डिठो उन सीएम मुराद अली शाह साहब जिन एक्शन वरतो उन एडी वही गाल कई जो जुडिशियल इंक्वायरी विहारण लाए उन्हें नोटिस वरतो आ डीआईजी आईजी से गाल कई उनके पक जारी है कातिल जरूर गिरफ्तार थो असं भी मुतालबो था क्यों तो कातिल के गिरफ्तार थे घुर्जे उनके इबरतनाक सजा मिलन घुर्जे पर जाहरी गाल इन इवेंट जो अज जो है दुखईद इवेंट आ इन में का सियासत को बींग अ पर्सन बींग अ ह्यूमन नेचर अस इंसान के खाते से पौता आयो इत अस सब सिंधी आयो सब मुसलमान आयो सब भायर आयो इंतहाई दुख से यो चवे जो भी सियासतदान हैं बरए मेहरबानी इन इशू से सियासत न कन ही कत्ल थो ही वो कत्ल आ जैसे वो डोही भी है एक जरे बराबर डोही है उनके केर कें गोली हण जो हक ना जैसे केर गोली तो हणे तो जरा सराउंडिंग में मूल बिठा चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स जहाँ मूल या असानी पुलिस जहाँ मूल उन फर्ज़ भी बणज इंसान के खातिर में खड़ी अस्पताल पहुँचाएं अस इन लम्हे में सिंध से गड आयो सजी पीपल्स पार्टी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी देर में असानी क्यादत पहुँचने वाली है असेंबली में इजलास पे हले जी तुम ऐसा जी असि क्यादत मौके वो पान दींदा थैंक यू वेरी मच ए मीडिया जो मैं इंतहा शुक्रगुजार आया खास कर मुश्ताक सरकी जो बेन सभी दोस्तों जो जिन ही आवाज़ उतारो ही आवाज़ असा पूरे पाकिस्तान के इशूज़ ला उठान घुर्जे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स हर मूल समझे तो इंसानियत जो कॉज है इंसानियत के लिए निकता हूँ यकीन हर मानू इतने इंसानियत के लिए मौजूद है रंग नस्ल मजहब सियासत का पाक ये अज जो मेड़ाको है जो मुतालबो करे तो कातिल रहीम शाह जेल के पोया खपे कातिल रहीम शाह फाही चढ़ नजर अचे कातिल रहीम शाह के खिलाफ हर मुमकिन जायज कानूनी कार्रवाई कई वे।
जी व्यूअर्स सा एक दोस्त नौजवान सुहेल जमाली मौजूद है। सुहेल अज छो इते आया आयो केड़ी शे आ जका ता के अज इते वठी आई आ इन धरने में आऊं सब का पेरिया सिंधी आया इन सिंध सा गड आया इरशाद रांझाणी सा जको ही हेड़ो वाक्यो थियो आहे जुल्म थियो आहे उन जे ला असी अपील करियूं था सिंध गवर्नमेंट के त पेरिया इन ते एफआईआर कई वने उन सा गड डीएसपी एसएचओ उन ते भी एफआईआर कई वने उहे भी गिरफ्तार कया वनन जो अज न त असा सा इरशाद भला हते धरने में न हुजे आ अस्पताल मुजे आ कें बिस्तरे ते पियो हुजे आ पर अफसोस सा चवण पवे तो त कब्रिस्तान में न हुजे आ असा उन जी मां के मासी के भाइरन के सबनी के यो एहसास जारण चाहियूं ता त असा पंजी सिंध सजी सिंध उनन सा गड आए। ठीक आ वरी मेहरबानी सुहेल। और वो वीडियो सबने देखी है जिस तरीके से वो फैल रही है कि वो बंदूक लेके उसको गालियां दे रहा है एक शख्स जिसको अच्छा 5 गोलियां लगी हैं उसे 5 गोलियां उद्धव नौ नहीं 5 गोलियां लगी हैं एंट्री एग्जिट वो सारी और इतनी करीब से लगी है कि सारी आर पार हुई है गोलियां लेकिन फिर भी उनको ये समझ नहीं आई कि उस शख्स को अरेस्ट किया जाए। मैंने कल फिर इनसे पुलिस से कहा और आज सुबह जब फाइनल अल्टीमेटम दिया उसके बाद उन्होंने फाइनली अरेस्ट किया। जब मुझे ये रिपोर्ट आई और जैसे रशीद भाई ने कहा कि जी 4:45 पे वाकया होता है 5 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है 5:05 पे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस पहुंचती है और 5 गोलियों लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते हैं 5:30 जो खुद बता रहे हैं ये मैंने ये पुलिस अपनी तफ्तीश करी है 5:30 बजे उसको थाने से निकालते हैं यानी 45 मिनट बाद उधर थाने से निकालते हैं उसको जो खुद ही लिख रहे हैं और तकरीबन 6:37 पे वो जिला अस्पताल पहुंचता है वो अपने उसकी डेथ हो जाती है। मैंने पुलिस से कहा है कि जो भी पुलिस वाले इसमें जिन्होंने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है जो कत्ल में शामिल है उसके उनको भी अरेस्ट किया जाए जो उसके साथ थे पहले दिन से उसको डकैत कह दिया भाई वो डकैत है। मुझे कहते जी उसके ऊपर एफआईआर है तो मैंने कहा तुम्हें पिस्तौल दे दूं जिस किसके ऊपर एफआईआर है तुम गोलियां मारते रहो उसको जिस जिसके ऊपर एफआईआर है ना आप सब बंदूकें पकड़े उनको मार दे पुलिस कुछ नहीं कहेगी इसलिए पुलिस इंडिपेंडेंट है। इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं हो सकती उसके साथ ये होता है। उसके बाद साहिवाल में वाकया हुआ अभी तक उन पुलिस वालों को कुछ नहीं किया गया इधर हम इंश्योर करेंगे मुझे आप सबका साथ चाहिए कि पुलिस वालों को अरेस्ट करें व्होएवर इज रिस्पांसिबल। सब पुलिस वाले बुरे नहीं होते लेकिन ये जिन लोगों को अपनी ड्यूटी का एहसास नहीं जिनमें कोई इंसानियत बाकी नहीं रही और ये मैं कई बार हर एक एट ऑल लेवल्स मैंने इनको कहा है इनको अल्लाह का खौफ खत्म हो गया जो ये हरकत इन्होंने की है अल्लाह ताला का खौफ खत्म हो। मैंने बहुत सख्त किस्म के अहकाम आईजी को भी दिए हैं एडिशनल आईजी को भी दिए हैं। केपीके में तो अगर एडिशनल आईजी बात नहीं मानता तो उसकी आईजी बात नहीं मानता 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाती है। मैं नहीं कोई ट्रांसफर आंसर की बात कर रहा अभी लेकिन अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके तो हम बिल्कुल ये सारी बातें करेंगे उनके साथ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस सूबे में अवाम की हुक्मरानी है ये पुलिस स्टेट नहीं है बाकी सूबों की तरह ये पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे हम। मैंने बड़ा सख्त किस्म का डायरेक्शंस आईजी को भी दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक ऑर्डर सामने ला के रख देते आईजी आजकल ट्रांसफर पता है कैसे करते हैं आप लोगों को पता नहीं पता होगा क्यों बाय वर्चू ऑफ द हाई कोर्ट डिसीजन डेटेड फलाना फलाना इन नंबर आई डू दिस मतलब ये असेंबली के कानून खत्म। मैं बहुत ही कोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है मेरे लिए लेकिन शायद दे डिड नॉट थिंक थ्रू दिस। और हमारे यहां एक कानून है हम सबको पता है पंजाब में आईजी ट्रांसफर हो जाता है महीने में 2 बार ट्रांसफर हो जाता है कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद में आईजी को एक फोन कॉल पे हटा देते कोई कुछ नहीं कहता। केपीके में खैर जो भी वजूहत थी होंगी कोई मुझे नहीं पता भी वो मंजर आम पे नहीं आई वो भी आ जाएंगी जो भी होगा लेकिन सिंध के लिए अलग कानून है। मैं कहूंगा
ये इंशाल्लाह ताला इस हाउस से वी विल हैव टू कन्फ्रंट दिस, वी विल हैव टू चेंज द पुलिस लॉज। व्यूअर्स ये असो स्पेशल प्रोग्राम हो जो तुम दिठो जी दोस्त आया तसो था तो हजारन की तादाद में मानू गडन ये सभी मानू जो आया ये सिर्फ़ एकड़े मुतालबे से आया तो कातिल रहीम शाह गिरफ्तार थियन घुर्जे इरशाद रांझाणी के इंसाफ मिलन घुर्जे। सरकार जहाँ मानू भी थोड़ी देर में अचान वारा पर असके प्रोग्राम के वाइंड अप करो है इन कर एक सक्सेसफुल प्रोग्राम थो है अज असा फर्दर इन के हवाले से धरती टीवी से मुख्तलिफ न्यूज़ बुलेटिन में तक अपडेट भी कंदा रहंदासी इन सा गडो गड तक ये बुधाइंदा रहंदासी तो सरकार जो अज जागी है जे वजीर अज नोटिस वठन पाया जे एफ आई आर अज थियण वारियन उन्होंने केतरी संजीदगी होंगी इन केस के केतरो संजीदगी से आज़ाद तरीके से बगैर कंखे सपोर्ट कर बगैर रहीम शाह की पुट भराई कर जो भी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन थी उनके सिंध जो अवाम पाकिस्तान जो अवाम कराची जो अवाम वेलकम कंदो पर हितां जा माण्हू इहो भी जो सिंध सरकार के चिताव पे दियन तो जो ड्रामेबाजी कई वही इन एहतजाज के थदो करण के हवाले से जर को लॉलीपॉप दिनों वो तो अज शार फैसल खुलियल है सुबाने पोए सजी सिंध भी बंद थी सके थी। शौक़ ज़रदारी के कारसाज़ सां ॾींदा इजाज़त अलावाई।